श्लोक नंबर 35 कवर करेंगे चैप्टर 3 से. लेकिन बिफोर वी डू द श्लोक इटसेल्फ, देर आर थ्री टर्म्स इन द श्लोक विच वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर, मतलब उसका मीनिंग समझने के लिए ये तीन टर्म्स समझना जरूरी है. तो उसका एक्सप्लेनेशन पहले समझते हैं, देन वील गो टू द एक्चुअल श्लोक. ये तीन टर्म्स हैं, एक है स्वधर्म, एक है धर्म और एक है परधर्म. धर्म, स्वधर्म और परधर्म. तो पहले हम धर्म क्या है वो देखते हैं. धर्म के चार मीनिंग हो सकते हैं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, बट अगर आप सेपरेट करना चाहो तो चार तरीके से धर्म को देखा जा सकता है. धर्म इज, वन थिंग इज राइटियसनेस. राइटियसनेस मीन्स वॉट इज राइट, वॉट इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ बीइंग करेक्ट और बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ करेक्ट पाथ पे चलने वाला एक इंसान जो कह सकते हैं हम, वो राइटियसनेस जो है दैट इज मेंट बाय धर्म, कि आप करेक्ट पाथ पे चलते हो. तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स फॉर एग्जांपल है कि दैट किसी को मारना नहीं है, ऑनेस्टी है, ऑल दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू एवरीवन. तो हमारे इंडियन कल्चर में बोलते हैं तीन स्तंभ है, तीन कोर वैल्यूज हैं जो अगर हम पकड़ के चले तो इट हेल्प्स अस इवॉल्व बेटर और हम अपने धर्म पे चल सकते हैं इन तीन कोर वैल्यूज के साथ. एक को भी करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली हमारे में आ जाएगी, इंकल्केट हो जाएगी. तो ये तीन वैल्यूज क्या है, कोर वैल्यूज, तीन कोर वैल्यूज है सत्यम, अहिंसा और ब्रह्मचर्य. सत्यम मीन्स ट्रुथफुलनेस. ट्रुथफुलनेस क्या है, मतलब सिर्फ सच बोलना ही ट्रुथफुलनेस नहीं होती है, सच बोलना लेकिन बोलते टाइम आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब आप अगर मुंह से कुछ बोल रहे हो और अंदर कुछ और सोच रहे हो, सो दैट इज नॉट ट्रुथ. योर वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड वॉट एवर यू आर स्पीकिंग हैज टू बी इन सिंक, देर इज नो एजिटेशन इन बिटवीन, देर इज मतलब यू आर स्टैंडिंग एज पर योर कन्विक्शंस. Whatever you feel inside, whatever you believe in, that is what you project outside to the world. That is what is truthfulness. Then ahimsa we know is non-violence. Non-violence bhi sirf iska matlab ye nahi ki aap physically kisi ko hurt nahi karo. Aap apne shabdon se kisi ko hurt nahi karo. Physically nahi, apne speech se nahi aur apne thoughts mein bhi nahi. किसी को मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स इन ऑल थ्री वेज यू आर नॉट थिंकिंग बैड अबाउट एनीवन और डूइंग बैड टू एनीवन, मतलब ना बोलने में, ना किसी को मारने में या टच करने में, ना ही उनके बारे में बुरा सोचने में, नॉट इवन इन द थॉट्स. ओके, सो दैट्स अहिंसा. एंड ब्रह्मचर्य मीन्स इसका लोग कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं मीनिंग में. ब्रह्मचर्य मीन्स सन्यासी होना नहीं, ब्रह्मचर्य मीन्स मॉडरेशन. मॉडरेशन इन एनीथिंग विच यू डू, मतलब अपने आपको एक सांचे में रखना है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्लेजर भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज एक्सेस में हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है. हम अगर एक्सेस शुगर खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम एक्सेस एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कोई भी चीज इन एक्सेस इज नॉट गुड. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन मॉडरेशन. मॉडरेशन में रखेंगे तो ये तीन हमारे स्तंभ हैं, थ्री पिलर्स ऑफ कोर वैल्यूज कौन से हैं, अहिंसा, सत्यम एंड ब्रह्मचर्य. सो दिस इज राइटियसनेस, फर्स्ट मीनिंग ऑफ धर्म. सेकंड मीनिंग ऑफ धर्म इज बीइंग डूइंग योर ड्यूटी. सेकंड मीनिंग इज डूइंग योर ड्यूटी. सो आपने ये बहुत बार देखा, सेकेंड चैप्टर में भी देखा कि हाउ वी शुड बी डूइंग आर ड्यूटीज, व्हाट इज आर ड्यूटी. सो अकॉर्डिंग टू आर रोल एंड अकॉर्डिंग टू आर गोल इन लाइफ वी हैव टू डू आर ड्यूटीज विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. खुशी खुशी अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है. सो दैट इज द सेकेंड मीनिंग. थर्ड मीनिंग इज यू हैव टू फॉलो योर धर्म, मतलब स्वधर्म. स्व धर्म मीन्स माय धर्म, राइट. अब इस केस में महाभारत के केस में ऑन द बैटल फील्ड अर्जुन का धर्म क्या था, ही वाज बोर्न अ प्रिंस, ही वाज बोर्न अ वॉरियर. हिज स्वधर्म और हिज धर्म वाज टू फाइट दैट वॉर फॉर द राइट रीजंस, राइट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द
people at large. So, but he was thinking at that time, being a sannyasi is better. That's why in the second chapter, he says, I should run away from the battlefield and main meditation karta hu, main ek sannyasi ban jata hu. To Bhagwan usko un samjhate hai aur us thought se bahar nikalte hai. Ki tumhara is time pe dharm hai apna duty karna. So you have been born a prince, you are born a warrior, and your duty is to fight this war for the protection, for the larger good, for the benefit of the people. Okay, so at that point, his swadharma was that. So we also have to follow our swadharma and do our duties as per our roles in life, as per the goals in life. Now, coming to the fourth meaning. Fourth meaning of dharma is our essential nature, jisko bola jata hai, hum log ke jo past experiences hote hain, usse hamari ek particular type ki thinking ban jati hai, ek particular type ke patterns ban jate hain hamare andar, jinko hum bolte hain vasanas, our inherent way of thinking, our inherent way of doing something. To jo hamare past experiences hai, uske hisab se hum apne aap ko present mein conduct karte hain, usi ke hisab se hum hamara behavior hai aaj ka, right? So that is our essential, or hamara nature ban chuka hai wo, right? So we have to act according to our nature. But hamara actual highest goal kya hona chahiye, wo hai hamara jo actually ye jo hamare andar ke jo kehte consciousness के क्लोजर जाना. कॉन्शियसनेस के क्लोजर जाना मीन्स सत चित आनंद. सत मीन्स एग्जिस्टेंस, चित मीन्स अवेयरनेस, एंड आनंद मीन्स ब्लिस. तो व्हाट इज दिस एग्जिस्टेंस? इफ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी अ पॉइंट इन योर लाइफ वेर यू थॉट यू डिड नॉट एग्जिस्ट? Everybody will say no. जहां तक हम अपने सोच को पीछे ले जा सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ, मैं इस टाइम पे बच्ची थी, मैं इस टाइम पे एक यंगस्टर थी, मैं इस टाइम पे अडल्ट थी, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था. तो एट एवरी पॉइंट इन माई लाइफ दिस एग्जिस्टेंस इज देयर, वेयर आई कैन से आई एम. इट इज दैट आई विच इज द एग्जिस्टेंस. Is that I, which is always present, which is never changing, which is observing everything which is happening in your life. Say, I am doing this, I am sleeping, I grew up to become an engineer, I did this. So this I is always there. Who is observing everything? Who is constant on which all these changes in our life are happening? So this I, that existence, ki jab hume awareness aa jati hai, that I am, this I is there inside me, this consciousness is there inside me, I am aware of this consciousness, that is becoming, your chitta is getting activated, your awareness is becoming activated, and then anand is that joy, that happiness coming out of this awareness that I am. I am always there. I am always present. I am always going to be there. Even if this body is there or not there, I am always going to be there. So that is Sat Chit Anand. That the highest duty is, that fourth meaning we were discussing of dharma is moving closer to this Sat Chit Anand. Kehte hai na, jaise agar sugar hai, sugar ka essential nature kya hai? Sweetness. फायर का एसेंशियल नेचर क्या है? गिविंग आउट हीट. चाहे वो ब्लू फ्लेम हो, ऑरेंज फ्लेम हो, रेड फ्लेम हो, उसका क्या है? हीट जनरेट करना इस फायर का नेचर. अगर चिलीज है, चिलीज का एसेंशियल नेचर क्या है? स्पाइसीनेस. तो ऐसे ही हमारा जो इनहेरेंट नेचर है वो हमारा स्वधर्म बनना चाहिए, दैट इज माय धर्म. तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरा स्वधर्म क्या है? अभी बिफोर वी गो इनटू दैट, धर्म की डेफिनेशंस आर क्लियर. फोर डेफिनेशंस. फर्स्ट वाज योर राइटियसनेस. सेकंड वाज ड्यूटी. थर्ड इज स्वधर्म. एंड फोर्थ इज दैट गेटिंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सच्चिदानंद इज योर हाईएस्ट धर्म. गेटिंग क्लोजर टू दैट. फोर डेफिनेशंस ऑफ धर्म. Now coming to Swadharma.
स्वधर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? स्वधर्म ऐसे होगा जिसमें मेरी रुचि है और जिसमें मेरा सामर्थ्य है, मतलब इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। आई जैसे हम कहते हैं फिश बहुत इजीली स्विम करती है वाटर में, राइट? सो वी शुड फील लाइक अ फिश इन वाटर व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग, दैट इज माय स्वधर्म। When I enjoy doing whatever I am doing, I feel so relaxed, happy, and I don't feel that I am doing work. Is my swadharma. जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, किसी को क्रिकेट खेलना इतना अच्छा लगता है, किसी को टेनिस इतना लगता है, so that becomes their swadharma, right? That itself is their very nature. Without that, they are nothing. तो हमें अपने बारे में सोचना है, मेरा सामर्थ्य क्या है और मेरी रुचि किसमें है, तो वो हम करेंगे तो वील ऑलवेज बी हैप्पी। हैप्पी रहेंगे तो एजिटेशन नहीं होगी, एजिटेशन नहीं होगी तो वी विल बिकम क्लोजर टू आर दैट फोर्थ गोल, रीचिंग क्लोजर टू आर कॉन्शियसनेस। द मोर हैप्पियर यू आर, द क्लोजर यू आर टू योर सेल्फ। अभी स्वधर्म हो गया, द थर्ड पार्ट वॉज पराधर्म। पराधर्म मीन्स किसी और का धर्म या किसी और का नेचर। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी समबडी एल्सेस नेचर। किसी की गुड क्वालिटीज अपने आप में इनकल्केट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी का सिर्फ कॉपी करना इज नॉट एडवाइजेबल। इट इज गोइंग टू लीड टू प्रॉब्लम्स ओनली। इसके दो हैं, let's take to it into two parts. अच्छा, एक स्टोरी सुनते हैं पहले इससे रिलेटेड, पराधर्म से रिलेटेड, सो दैट विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। एक बार एक फार्मर था, उसके पास एक डोंकी था और एक डॉग था। तो डॉग की यूजुअली ड्यूटी होती है कि कोई भी अननोन पर्सन आए या कोई भी अननोन नॉइज है तो इट बार्क्स। It'll make you alert that something is not right. So you do something is happening. And donkey kya hai to carry the load from here to there or help his master. So dono ki duties separate hai. So ek din kya hota hai, dopahar ka time hai. The farmer also was resting and the dog also was resting. Apne paws pe it was resting. The donkey was standing. तो कोई suddenly noise सुनाई देता है, तो dog के ears खड़े हो जाते हैं and it tries to listen to the sound and then it ignores that sound and goes back to sleep. The donkey tells the dog that I heard a noise. Your duty is to bark. Why aren't you barking? So dog doesn't respond. तो उसकी जगह donkey noise करना शुरू कर देता है, डैंचू 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 डैंचू। Farmer गुस्से में उठता है, donkey को बहुत पीटता है। तो यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। डॉग को पता है कब बाग करना है, डॉग को पता है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं बाग करूंगा। डोंकी को बीच में घुसने की जरूरत नहीं थी। टू एक्ट एक्स्ट्रा स्मार्ट, उसकी ड्यूटी है लोड कैरी करना, तो कैरी द लोड। व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द डॉग्स ड्यूटीज? सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पराधर्म। सेकेंड एग्जाम्पल वी कुड सी इज इंडिया में बहुत कॉमन है। इफ यू सी सम पर्सनैलिटीज, मे बी लाइक फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्समैन, हम लोग उनको क्या किया जाता है, उनको बोलता है तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तुम्हारे बेसिस पे तुम्हारे उसके हमें बहुत वोट मिलेंगे, तो दे ज्वाइन अ पार्टी। बट आर दे एक्चुअली एबल टू डू जस्टिस टू द गवर्नमेंट? सम मोस्ट ऑफ द टाइम दे नॉट एबल टू गिव टाइम to attend the meetings, to attend the sessions in the parliament. So what are they doing? Their swadharma was their sport, or actors ka wo tha ki acting, that was their job. They are leaving their job just for the sake of power or popularity or those reasons they are joining, doing something else which is not their swadharma. But are they good at it then? They're not good at it. Ulta, they're causing harm than being good. Because wo log nahi join karte to koi aur kisi ko chance milta, koi aur better person aata unki jagah, jo would have been able to devote time and do better work in those circumstances. So this is the meaning of paradharma.
पर अदर किसी और की ड्यूटीज या किसी और के नेचर को कॉपी करने की जरूरत नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन. यू गो बाय योर कन्विक्शन, गो बाय योर धर्म, योर स्वधर्म. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन टर्म्स यूज इन द श्लोक. तो श्लोक में क्या कहा गया है? श्लोक में कहा गया है कि फॉलोइंग वन्स नेचर even though it is imperfect is better than doing or following someone else's nature or doing someone else's duty. Even if you die doing your own dharma, that is okay, but not doing somebody else's dharma. So now that we have understood the meaning of all the terms, it's very clear that I should be doing my swadharma and not somebody else's duties or dharma. Correct. So this is what is the meaning of this shloka. Right. Abhi, I will stop here, and then we will discuss the. If you have doubts in this shloka, then we'll discuss that. And last time ka homework, what we had, we'll discuss that. Okay. So I'll just end here, stop the recording, and then we'll talk. पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओं. ॐ तत्सत्.